प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का ऐलान किया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि म्यांमार और उसकी सीमा से सटे राज्यों में लगातार बढ़ रही हिंसा से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि अब और रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन हुसैन ने भारत तथा अन्य देशों में रह रहे यहाँ के लोगों को अपने यहाँ वापस शरण देने की बात की है। बता दें कि म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना और देश के बौद्ध बहुसंख्यकों से बनी एक शक्तिशाली जातीय मिलिशिया अराकान आर्मी के बीच लड़ाई तेज होने के कारण लगभग 8,000 रोहिंग्या